घटनाओं से लग रहा है कि झांसी में हिंदू मुस्लिम विवाद फिर बढ़ने वाला है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात को असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर की मूर्ति तोड़ दी। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। सुबह बड़ी संख्या में लोग मंदिर पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस प्रशासन नई मूर्ति लेकर पहुंची तो लोगों ने स्थापना करवाने के लिए मना कर दिया। लोगों की मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही नई मूर्ति की स्थापना करवाई जाएगी। भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए। पुलिस उनको शांत कराने में जुटी हुई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 रेलवे क्रॉसिंग के पास प्राचीन मंदिर में दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित है। मंगलवार रात को पुजारी मंदिर बंद करके चले गए। रात को असामाजिक तत्व दीवार फांदकर मंदिर के अंदर घुस गए। उन्होंने मूर्ति का एक हिस्सा शरीर से अलग कर दिया और अपने साथ ले गए। जब सुबह पुजारी पहुंचे तो खंडित मूर्ति देखकर चौंक गए। चांदी के जेवर भी गायब थे। इसके बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर एसपी सिटी राधेश्याम राय, सीओ सिटी राजेश राय, प्रेमनगर थाना प्रभारी निरीक्षक संजय समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो उठे। सूचना पर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। पुलिस नई मूर्ति लेकर मंदिर पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही मूर्ति की स्थापना होगी। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी अंचल अर्जड़िया ने कहा कि इंसानों के बाद अब देवियों के साथ भी हो रही है, इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर एनएसए की कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो जो सनातन संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। आज शाम को बैठकर रणनीति तैयार करेंगे। प्रशासन को एक सप्ताह का समय दे रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें। और झांसी के साथ आसपास की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ये मूर्ति किसी ने गर्दन काट दी। मैंने जब दरवाजा खोला जब पता चला आप है थे? नहीं, हमें तो सुबह 7 बजे आए तब हमने ताला खोला, उसके बाद पता चला कि मूर्ति का सर अलग है तो देखा गया। तो मैंने अपने बच्चे नाती को बुलाया, ही मेरा नाती है, मुंह बोला नाती है इसको। महाराज ने तुरंत फोन लगाया तो मोनू ऐसी घटना हुई, तब हम आए। ताला लगे में घटना हुई है, आए तो यहाँ पे माता मैया का सर नहीं है, सर अलग है। और उनके कपड़े अपने जेवर और कपड़े भी नहीं है, जो जेवर, उनके जेवर, हार थे और पायल थी चांदी की, वो भी नहीं है। बस वैसे क्या घटना है? ये डबल फाटक के पास में रेलवे स्टेडियम है जो इंस्टीट्यूट, उसके बाद में मंदिर है विश्वासी माता का, विश्वासी हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पर जो है देवी जी की स्थापना है, देवी जी की मूर्ति के सिर को धड़ से अलग किया गया है। अभी तक इंसानों के ऊपर थी सतपन से जो था, अब जो है देवी जी के साथ भी, देवताओं के साथ भी वही घटना घटित हो रही है। तो ये जो एक चल रही है कि सिरफेरे ने तोड़ दी, सिरफेरे ने तोड़ दी, ये सब खत्म होकर के और यहाँ पर उन अपराधियों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, एनएसए की कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो और ऐसे लोगों के खिलाफ में फांसी की सजा हो जो सनातन संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। सभी हिंदू संगठन यहाँ पर हैं और हम लोग बैठ करके आज शाम को एक रणनीति तय करेंगे और उसके अनुसार एक हफ्ते का समय प्रशासन को दे रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन हिंदू समाज सड़कों पर निकल करके करने के लिए बाध्य होगा। Open!
की गाड़ी से, वो तो संजोग ये रहा कि प्रशासन ने भी बंदूकें निकाल ली और आमना सामना हो जाता तो हिंदू सेना के लोगों ने धैर्य रखा। अगर वो गाड़ी के बैन से निकल आता आफ्ताब तो उसके भी 36 दूनी 72 या 35 दूनी 70 टुकड़े होते। तो मुझे लगता है कि झांसी महानगर का प्रशासन, पुलिस प्रशासन अभी तक अच्छा काम किया उसने, हम उसे तारीफ नहीं दे रहे, लेकिन जितनी तत्परता से मूर्ति लाए हमारे सीओ साहब, एसपी सीजी साहब, उतनी तत्परता से अपनी कोबरा अगर पूरी झांसी में घुमा दी होगी तो आज अपराधी अपनी माता रानी के चरणों में होते। आप सबने जो चाहा वही होगा, सारे संगठनों ने हिंदू समाज के लिए तय किया है जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे कोई स्थापना यहाँ पर नहीं होगी। हम लोग समय देंगे प्रशासन को, उस समय के अंदर उन्हें गिरफ्तार करें, एनएसए राज का जो भी कठिन से कठिन सजा हो सकती है वो दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे हिंदू समाज के लोग मिलकर ये भी तय किया है इलाइट चौराहे पर एक विशाल टेंट लगाकर क्या करना होगा ये उस समय बताया जाएगा। एलआईओ वाले बड़ी उत्सुकता दिखाते हैं, हर चीज की खोज खबर रखते हैं, चप्पे चप्पे की खबर रहती है। और अभी यहाँ पर सिर्फ इतना काम रहता है कि हिंदू समाज के जो नेता हैं उनके गले में हाथ डाल के भैया स्थापना करवा दो, ये होने वाला नहीं है। मैं एनआईओ वालों से ये कहना चाहता हूँ, मेरी कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी जानकारी, ऐसी घटनाएं चौथी पांचवी क्यों बढ़ती है जब आपका खुफिया विभाग, आपका सीबीआई, सब कुछ आपका सक्रिय है, बहुत अच्छा प्रशासन है, पुलिस गश्त कर रही है, कोबरा गश्त कर रही है, फिर ऐसी घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं कमी है, तो अपना अवलोकन करें। जय श्री राम।